दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मान जाते हैं। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक महान राजनीतिक एवं कूटनीतिक थे। उनके द्वारा बताई गई चाणक्य नीति को सीखने से आप जीवन किसी समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। साथ ही साथ चाणक्य नीति का ज्ञान आपके लक्ष्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, वास्ता की एक नीचे रखी हुई चीज स्त्री आपकी दीवानी हो जाएगी। दोस्तों, क्या आप किसी से प्यार करते हैं? क्या आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपकी मोहब्बत आपको नहीं मिल रही, शादी में रुकावटें आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि हर व्यक्ति के जीवन में आती रहती हैं। दोस्तों, अगर आपको आपका प्यार नहीं मिल रहा, वो आपसे बिछड़ चुका है, तो दोस्तों इस उपाय को कर लीजिए, आपको आपका प्यार मिल जाएगा। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको आपका प्यार मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए ज्योतिष शास्त्र का ऐसा उपाय लेकर आया हूँ जिसे करने के बाद घमंडी स्त्री भी आपकी दीवानी हो जाएगी। दोस्तों, ये उपाय क्या है, आपने इसके लिए क्या करना है, जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। दोस्तों, अगर आप ज्योतिष और वास्तु पर भरोसा करते हैं तो आप लकी हैं। दोस्तों, जो लोग ज्योतिष और वास्तु शास्त्र पर भरोसा नहीं करते, वो अपने प्यार से वंचित रह जाते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, आपको सोते समय एक कोरा कागज लेना है, उस कोरे कागज पर 8 बार उस स्त्री का नाम लिखने के बाद प्लस का साइन लगाने के बाद दोस्तों आपको ये मंत्र लिखना है, या रहमानु, इस तरीके से लिखने के बाद दोस्तों ऐसे भी 8 बार लिखना है। पर उस पर्ची को फोल्ड करने के बाद अपने तकिए के नीचे रख लें और 21 बार उस स्त्री का नाम लें और फिर सो जाएं। दोस्तों, सुबह होते ही आपको पता जरूर मिलेगा। दोस्तों, अपनी मोहब्बत को पाने के लिए इस उपाय को जरूर करें और अगले दिन आप देखेंगे कि आपकी प्रेम का आपसे मिलने के लिए तड़पने लगेगी, हर पल आपके बारे में सोचने लगेगी, वो बस आप ही के ख्यालों में खोई रहेगी कि कब आप उसे मिले, वो अपने मन की बात आपको बोले। दोस्तों, अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए ये उपाय कर लो, आपको आपकी मोहब्बत मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप भगवान श्री कृष्णा जी के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।